अडानी के मुद्दे पर लगातार तीन दिनों से संसद के दोनों सदनों में हंगामा बरपा है। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तक विपक्ष को मंजूर नहीं। विपक्ष अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब की भी मांग कर रहा है, जेपीसी की डिमांड पर अड़ा है। इस बीच आज विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब देने और कांग्रेस के हंगामे वाली सियासत के खिलाफ बीजेपी पलटवार के मूड में है। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग है, जिसमें संसद में चल रहे गतिरोध के बीच पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष की मीटिंग भी आज होने वाली है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सड़क से संसद तक विपक्ष का हंगामा जारी है। दोनों सदनों की कार्रवाई ठप है। इस बीच बीजेपी की विपक्ष पर सबसे बड़े अटैक की तैयारी है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसका फैसला आज होने वाली पार्टी की संसदीय दल की बैठक में होना है, जिसमें पीएम मोदी बजट को लेकर सांसदों को मंत्र तो देंगे ही, साथ ही विपक्ष की हंगामे वाली सियासत पर विराम लगाने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी आज पलटवार के मूड में है और इसका इशारा पीएम मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरु में HAL के एक कार्यक्रम को संबोधित करते दिया। मोदी ने विपक्ष पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और संसद के वक्त की बर्बादी पर विपक्ष को आईना दिखाया। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत, ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है, हकीकत खुद बोल रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की झूठ की सियासत पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के तेवर इस वक्त ठीक वैसे ही हैं जैसे 2019 के चुनाव के दौरान राफेल डील पर सवाल उठाते वक्त थे। उस वक्त राहुल गांधी अडानी की जगह अंबानी का नाम लेते थे, लेकिन निशाने पर हर वक्त मोदी ही रहते थे। इस बार फिर राहुल के निशाने पर पीएम है। सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए, आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। विपक्ष अडानी के मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा है, सरकार पर बहस से भागने का आरोप लगा रहा है, तो
तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से खुद पीछे हट रहा है। इस बीच आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों की मीटिंग भी होने वाली है। आज पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी नई रणनीति के साथ सदन में पहुंचने वाले हैं। कई दिनों से जारी हंगामे के बीच सदन में आज भी गतिरोध जारी रहने वाला है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों फुल तैयारी के साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये जो अडानी का मेगा घोटाला है और जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं इसको छुपाने में, इस पर पार्लियामेंट में बहस होना नहीं देना चाहते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी को मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम चाहते हैं कि इस पर जेपीसी हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। सरकार इस पर हमें कुछ कहने के लिए भी हमें मौका नहीं दे रही है और तीन दिन से पार्लियामेंट नहीं चल पाया। 10 बजे सारे विपक्ष की पार्टियां मिल रहे हैं LOP नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऑफिस में, तब तय होगा। पर हमारी मांग एक ही है कि क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शामिल है और अडानी और प्रधानमंत्री एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं और इनकी मिलीजुली जुगलबंदी रही है पिछले 20-22 सालों से, तो प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए और हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष JPC की जांच हो। कि राहुल गांधी गोयवेल्स की थ्योरी पर चल रहे हैं, उनके बारिश हो गए हैं। एक झूठ को 100 बार बोलना और उल्टे मुंह गिरना, रफेल में गिर गए। अब ये कह रहे हैं मित्र अदानी को, अदानी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पहली बार अगर मुझे ब्रेक मिला तो राजीव गांधी के समय। ये राजीव गांधी कौन है राहुल गांधी को बताना चाहिए, ये कौन पार्टी के प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी को बताना चाहिए और अडानी के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। जहां तक संसद का सवाल है, LIC ने कह दिया, ये SBI ने कह दिया, उसके बाद भी संसद के में अध्यक्ष ने कहा, पार्लियामेंट्री पार्टी ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, सभी नेताओं ने कहा, उसकी एक व्यवस्था है, इन्हें हंगामा करना है। एक और अडानी के मुद्दे को लेकर जहां सियासत चरम पर है, देश भर में बवाल है, तो वहीं अडानी ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया और कहा है कि अडानी पोर्ट्स के 168 मिलियन, अडानी ग्रीन के 27 मिलियन और अडानी ट्रांसमिशन के 11 मिलियन शेयर सही समय पर जारी होंगे। अडानी ग्रुप $1 अरब से ज्यादा पेमेंट कर अपनी 3 कंपनियों की गिरवी शेयर्स छुड़ाएगा। अडानी ग्रुप के इस ऐलान के बाद सोमवार को अडानी पोर्ट्स के शेयर में 10% की उछाल देखी गई। अडानी को लोन दिए जाने को लेकर LIC और SBI का पक्ष सामने आने के बाद भी कांग्रेस चाहती है कि सारा कामकाज रोक कर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों पर चर्चा हो। राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खोए हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। कांग्रेस के रूप पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। देश का दुर्भाग्य है, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जबकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न हो। जो भी विषय है, विपक्ष हमेशा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विषय रखता है और सरकार उस पर जवाब देती है। सरकार पूरी तरह तैयार है और मैं मानती हूँ कि एक तरह से एक ऐसे समाज से महिला आती हैं जो राष्ट्रपति बनी है, दबे कुचले समाज से, और उस पहली बार उनका बजट अभिभाषण हुआ है और उस अभिभाषण को जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अपमान हो रहा है। बहरहाल आज सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के तहत सदन के वक्त की बर्बादी और मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा के लिए अपनी रणनीति बनाएगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।